लेके सारे नीचे तक सब चोरी करने में लगे हुए। समस्त चोर कही बुलुवा पार्टी उपरे लागिब कि दुर्नीतिर कला छिटा मद माफिया यारी केजरीवाल सरकार उपरे भारी ए स्लोगान हेब कि सत एक्साइज मिनिस्टर बनिले कि एक्सक्यूज मिनिस्टर सिसोदिया घरे पशिला सीबीआई दिल्लीर नुआ अबकारी नीति को नहीं सीबीआई राडार रे दिल्लीर डेपुटी सीएम तथा अबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया आज सिसोदिया बासभवन में सात जनिया सीबीआई टीम पहुंची छानबीन कर एक संगे एक स्थान में रेड मारी सीबीआई टीम खाली एति नुहे पूर्व अबकारी आयुक्त ए गोपीकृष्ण अबकारी उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी तीन सहायक अबकारी आयुक्त सेक्शन ऑफिसर और डीलिंग हेड का घरे रेड कर सीबीआई यह राजनीति उठुवा पड़ुवा बेले सिसोदिया विरोध में एतला रुजु कर सीबीआई से हीपरी इडी सिसोदिया राडार रे नहीं पारे बोली चर्चा हो अबकारी नीति बढ़ाइला अड़ुआ अकल पड़े केजरीवाल सरकार सीबीआई पंजारे मनीष सिसोदिया खूब शीघ्र इडी आसीपा नोटिस दिल्ली सरकार नंबर टू तथा वर्चुअल सीएम मनीष सिसोदिया विरोध में अबकारी नीति नहीं अभियोग तालिका बेस लंबा नुआ अबकारी नीति रे बड़ गड़बड़ी करथिले दिल्लीर अबकारी मंत्री मद व्यवसायी को लाभ पहुंचाई लाइसेंस देवा बेले नियमर धजिया उड़ाई मद व्यवसायी 144 कोटी टंका माफ करने कोरोना ना नहीं लाइसेंस फी छाड़ करथिले फलर 15 नवंबर 2021 दिल्ली में नुआ अबकारी नीति लागू होता खुद दिल्ली सरकार मुख्य सचिव नरेश कुमार जांच करी 8 जुलाई 2022 मुख्य सचिव एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट देते से ही रिपोर्ट आधार में ही 22 जुलाई 2022 सीबीआई तदंत सुपारिश करते उपराज्यपाल एवं से ही मद को नहीं दिल्ली में बीजेपी और आप मध्य देखाई महाभारत भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले वह भ्रष्टाचारी ही रहता है और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतेंद्र जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। पूर्वरु मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे ईडी जाल रे पड़ीथिबा दिल्ली मंत्री सतेंद्र जैन एजाए जेल रा हवा खाउछंती। एबे पुणी थरे बड़ा घोटाला मामला रे दिल्ली सरकार रे नंबर 2 सिसोदिया छंदी हेबा केजरीवाल सरकार को काठगड़ा रे छिड़ा करिछि। यदि सत्येंद्र का परे सिसोदिया विरोध में मामला चले तेरे दुर्नीति विरोधी सत्याग्रह या आप्र भविष्य संकट मध्य ठेली हो आशंका कर राजनैतिक समीक्षक केजरीवाल एमती आसी जे कि दुर्नीति ही मूल गोटे मुमेंट करते आर मंत्री यही सब केस रे पड़ा बहुत दुर्भाग्यजनक आउ तांको निश्चित भाव रे आत्मनिरीक्षण करिबा दरकार। दिल्ली रु गगन विश्वाल का रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।